तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और भैया, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, क्योंकि भाई पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को प्रोसेसर्स के बारे में, तो भाई कुछ लोग को वो वीडियो सही नहीं लगी थी। लेकिन भाई मैं जो बताया था ना, अगर आप बिगिनर हो, अगर पीसी बिल्ड कर रहे हो ना, तो आपके लिए बेस्ट है। तो अब बढ़ते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, जो है भैया ग्राफिक्स कार्ड। अगर आप एक गेमिंग पीसी बना रहे हो, तो सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं, जो है भाई आपका प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड। प्रोसेसर अगर ढंग का ना हुआ ना, तब भी चलेगा, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड एकदम मस्त होना चाहिए। तो भाई आज वही देखेंगे अपन लोग कि कौन सा ग्राफिक कार्ड लगाना चाहिए। सबसे पहले अगर वर्किंग पीसी की बात करें, तो भाई इसमें आप ये लगा सकते हो, मैं कुछ खास ज़्यादा जाऊँगा नहीं इसमें। ये है गीगाबाइट GeForce GT 710 2GB का है भाई। वर्किंग पीसी में ये आराम से काम कर देगा भाई, क्या बताएं। इसके बाद अगर गेमिंग की तरफ बढ़ें, तो इसमें दो अब भाई कैटेगरीज होती हैं ग्राफिक्स कार्ड की। एक होती है GTX और एक होती है RTX। RTX भाई हाई एंड गेमिंग के लिए है, और GTX बजट वालों के लिए। बजट इन द सेंस भाई 20,000-25,000 ऐसे, क्योंकि भाई ग्राफिक कार्ड बहुत महंगे आते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा। तो भाई सबसे पहले मैं बजट में बता दूँ, ग्राफिक्स कार्ड तो भाई पुराना है लेकिन काम चला हुआ है, 1650 में थोड़ा ज़्यादा चला गया। ये भाई 1050 Ti भाई ले लो GTX की तरफ से, बहुत ही कमाल का ग्राफिक्स कार्ड है अगर आप एकदम बिगेनर हो। ये 4GB का ग्राफिक्स कार्ड है, और आप ये देख सकते हो Asus का Cerberus GTX 1050 Ti OC एडिशन। OC मतलब भाई ओवरक्लॉक एडिशन है, तो इसमें आपको 4GB की ग्राफिक्स कार्ड मिलेगी इसके अंदर, जो कि भाई इंस्टॉलेशन तो भाई मैंने अभी PC बिल्ड करवाया नहीं है, तो मैं कुछ खास बता नहीं सकता। तो भाई सेकंड चलते हैं कि भाई मैं एकदम बेसिक से नहीं बताऊँगा, लेकिन भाई ग्राफिक्स कार्ड बता दे रहा हूँ कि कौन सा आपको ख़रीदना चाहिए, कौन सा नहीं। तो इसके बाद सीधे 1050 के बाद बढ़ते हैं 1650, जो कि मेरा पर्सनल, मैं खुद ये ख़रीदने वाला हूँ। ये 1650 सर हो गया, तो यहाँ पे आ चुका है 1650। ये पड़ेगा अपना 16,000 रुपये का, जिसकी तरह MSI का है GeForce GTX 1650 Ventus। ये भी 4GB का ग्राफिक्स कार्ड है। अब इसमें खासियत है कि भाई ये काफ़ी हद तक गेम्स चला देगा। i3 का अगर आप 9 या 10th जेन लोगे, या i5 का 7th या 8th जेन, तो ये काफ़ी सही मैच करेगा, बिल्कुल भी बॉटम नेक नहीं होगा। अब बढ़ते हैं और थोड़े से ऊपर, जो कि है भाई 1660 की रेंज। ये भाई थोड़ा सा 20,000 तक में आता है। ये देख सकते हो आप Zotac का है GeForce GTX 1660 AMP एडिशन। अब भैया इसकी सेल लगी हुई है यहाँ पे 31,000 का है, लेकिन यहाँ पे 19,990 प्राइस इसका बताया गया है। लेकिन बात जानते हो भाई, ये 25,000-26,000 का होगा, ये लोग ऐसे ही लिख देते हैं कि भाई 31,000 का है। जब इसकी खासियत है, ये 6GB का ग्राफिक्स कार्ड है, तो ये काफ़ी सही है, आपके गेम्स चला देगा। अगर आप i3 या i5 अगर लेंगे, तो आपका काफ़ी सही पोटेंशियल ये पकड़ लेगा। तो अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, जो कि है भाई सुपर की तरफ आ जाए, तो ये भी उसी तरह के ग्राफिक्स कार्ड हैं। मैं तो भाई MSI और Zotac प्रेफर करूँगा, और कोई ब्रांड मत लो, मुझे किसी पर ज़्यादा इतना भरोसा नहीं है भाई। लोग जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, वो यही है 25,500। ये भी 30,000 का बताया है, लेकिन भाई 1660 सुपर जो है AMP एडिशन 6GB का ग्राफिक्स कार्ड है, ये ले लो, बेस्ट है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो अब भाई और अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वैसे बजट वालों के लिए इतना ग्राफिक्स कार्ड सही है। अब भाई GTX की रेंज में मैं कुछ ज़्यादा बताने नहीं वाला, अब सीधे चलते हैं RTX 2050 से स्टार्ट करते हैं। 2060 मैंने 50 डाल दिया था गलती से, तो
तो अब ये हो जाता है 25,000 से लेके पूरा 60-70,000 तक, जो कि भाई एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको दिलाएगा एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप देख सकते हो गीगाबाइट के, यहाँ पे आप लो भाई गीगाबाइट RTX में भाई नंबर वन मैं कहूँगा। NVIDIA है वैसे तो नंबर वन, Aorus और NVIDIA, लेकिन मैं गीगाबाइट यहाँ पे ज़्यादा रहता है तो मैं गीगाबाइट ही प्रेफर करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 6GB का ग्राफिक्स कार्ड है, और भाई ये काफ़ी सही, अगर आपका i5 और i7 चला देगा। आप किसी में वैसे प्रोसेसर में लगा सकते हो, लेकिन भाई डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेसर आप लगा रहे हो, अपने बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसके बाद भाई चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर, तो भाई हम लोग चलते हैं 2080। आप देख ही सकते हो ये एकदम भाई नेक्स्ट लेवल आ गया, भाई नेक्स्ट लेवल एंट्री हो चुकी है अपनी 70,000 वाली सीरीज़ में। ZoTAC के भी हैं, गीगाबाइट का भी है, RGB, RGB सब मिलेगा आपको। ये ट्रिपल फैन के साथ आता है, 72,000 का है, भाई मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। तीन फैन है, और आप इमेजेस में देख ही सकते हो कि भाई ये ग्राफिक्स कार्ड कैसा होने वाला है। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा ऊपर सुपर, भाई सुपर भी बहुत ही कमाल की चीज़ बन गई है। ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन होता है जिसके ऊपर सुपर लगा रहता है, और ये है 8GB का ग्राफिक्स कार्ड। अगर आपको लगाना है तो भाई i9 वाले बिल्कुल लगवा लें, और फिर RTX में और ऊपर बढ़ते हैं एकदम अंबानी गेमर्स। तो यहाँ पे देखते हैं 1370, 1380 ऐसे स्टार्ट करें, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 3080 का ग्राफिक्स कार्ड है, 10GB का लगवा लो, जिंदगी सफल। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो अमेज़न पे प्राइस नहीं लिखा है, तो नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे जाओ। यहाँ पे कभी कभी अगर आप ज़्यादा रिसर्च करोगे तो एक कंपैरिजन बन के आ जाता है जिसमें कि आपके प्राइसेस लिखे रहते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो यहाँ तक आ गए RTX, ज़्यादा ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई लोग यहीं तक प्रेफर करते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा सुपर लगा देते हैं, तो ये 8GB का है, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। मैंने 30 की जगह 20 लिख दिया, तो भाई भाई मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं कोई तगड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। तो अब ये वाला ग्राफिक्स कार्ड देखो भाई, टॉप ऑफ द नॉच, ये NVIDIA कंपनी का है जो ग्राफिक्स कार्ड बनाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई अंबानी ग्राफिक्स कार्ड्स, भाई मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, ये सब अंबानी ग्राफिक्स कार्ड है। इधर तो देखो ही ना, 3080 जो मैंने ग्राफिक्स कार्ड दिखा रहा हूँ वो भाई बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है। आप अगर बहुत ही अंबानी लेवल के गेमर हो, और अंबानी लेवल के गेमर वैसे मेरी वीडियो देखते हैं नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हो तो भाई लगवा लो अंबानी, भाई लगवा लो, क्या ही बताएं तुम्हें। अब देखो यहाँ पे कुछ रिव्यू अगर आप पढ़ोगे तो ये स्टार्टिंग 71,000 का है, और ये दे कितने में रहा है यहाँ पे प्राइस भी नहीं लिखी, तो भाई क्या ही बताएं। वन ऑफर फ्रॉम 144,900, मतलब भाई 1,44,000, इतना ज़्यादा कॉस्टली, मतलब कतई चहर। ये भाई जो ग्राफिक्स कार्ड बता रही है ना, ये RTX का 8000 है, 48GB का, यहाँ पे प्राइस नहीं लिखी है भाई, लेकिन मैं इसकी प्राइस बता रहा हूँ 6,69,000। आप समझ भी नहीं सकते हो कि भाई कितना पैसा है, इतने में भाई दो PC बन जाए, वो भी तगड़े गेमिंग वाले i7 लगा के। मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पे इसकी प्राइस नहीं लिखी है, DDR6 का ग्राफिक्स कार्ड है। तो यहाँ पे RTX सीरीज़ भी ख़त्म हो जाती है। तो अगर मैं बजट वाले मेरी वीडियो देखते हैं ऑफ कोर्स, तो मैं अगर आप अगर प्रोसेसर लगा रहे हो Pentium के G5400,
मतलब मैं 5000 सीरीज ही प्रीफर करूँगा भाई। दो ही प्रोसेसर आते हैं पेंटीएम के, 5400 मैं दिखा दे रहा हूँ। वैसे मैं आपको पहले वाली वीडियो में दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। एक ये प्रोसेसर आता है 6000-7000 का है, 3.7 GHz का है, डुअल कोर प्रोसेसर है, पेंटीएम गोल्ड G5400। अगर इसमें आप लगाओगे तो इसमें आप लगा लो 1050 Ti, जो कि भाई मैंने सबसे पहले गेमिंग वाला जो बताया था। उसके अगर ऊपर बढ़ते हो तो यहाँ पे 4 MB की कैशे है और 3.8 GHz। आप समझ नहीं सकते 3.8 GHz कितना होता है, और वो भी इस प्राइस रेंज में। मतलब लिटरली भाई इन लोगों ने भाई कमाल कर दिया है। तो यहाँ पे आप 4500 रुपये में अगर आप लगाओगे तो आप GTX का 1650 ग्राफिक्स कार्ड लगा लो, जो कि मैंने 1650, 1650 Ti और 1652 पर सुपर कुछ भी लगाना चाहो। मैं प्रेफर करूँगा आप MSI का GeForce 1650 Ventus OCG DDR5 गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड। ये वाला ग्राफिक्स कार्ड पूरा नाम छाप लो और यहीं पे अपने मदरबोर्ड पूरे CPU में पेल लो, क्योंकि भाई ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ना, ये भाई बजट वालों के लिए 1050 Ti, 1650, 1660, ये सब बजट वालों के लिए भाई गॉड लेवल ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। और यहाँ पे हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर बाबा जी की जय। तो इसी के साथ यहाँ पे GTX सीरीज भी ख़त्म होती है। तो अगर आप लोग को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और भाई अपन लोग क्या बताएं, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वाली प्रोसेसर्स की वीडियो नहीं देखी है तो भाई जल्दी जाओ प्रोसेसर वाली वीडियो पे से क्लिक करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा मैं, कमेंट सेक्शन में भी दूंगा, हर जगह लिंक फैला देंगे। बिल्कुल चिंता मत करो कि भाई ढूंढने में तुमको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और भाई कुछ मेरे दोस्त लोग पूछ रहे थे कि भाई तू अब गेमिंग नहीं डालेगा क्या, तो भाई उन लोगों को बता दूँ भाई मैं थोड़ा बहुत गेमिंग डालूँगा, लेकिन भाई मेन मेरा PC। भाई अगर आप लोग PC बिल्ड करवाने का प्लान बना रहे हो ना, तो भाई उसमें इतना घुस जाते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसका आप रेजोल्यूशन देख लो, 1080 पिक्सल्स पे है, और ये जो वीडियो क्वालिटी है ना ये 100 Mbps तक जाती है, और भाई फ्रेम रेट जो है ये 60 तक जाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी लेकिन लैग कर रहा था, तो इसीलिए मैंने रोक दी। तो भाई उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो पर लोग डालेंगे स्टोरेज की तरफ देखेंगे, स्टोरेज इन द सेंस भाई हार्ड ड्राइव SSD। भाई ये दोनों चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, ये लोगों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी इस समय लगाना है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पहले हार्ड डिस्क लगाएं क्योंकि हार्ड डिस्क में स्टोरेज ज़्यादा रहती है। इन सब के बारे में बाद में बात किया जाएगा। अब जाओ भाई थोड़ा सा पढ़ लो, भाई बहुत ज़्यादा वीडियो देख लियो, मुझे पता है कि भाई मेरे स्कूल के दोस्त लोग देखेंगे, ज़्यादा लोग तो देखते हैं नहीं मेरी वीडियो, और मैं जान खा रहा हूँ तुम लोग का, क्या ही बताएं भाई अमेज़ॉन की सेल चल रही है। और यह मैं एक और चीज़ बता दूँ कि अमेज़ॉन की सेल पे आपको कुछ भी कंप्यूटर रिलेटेड सस्ता मिल ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। और मैं एक और चीज़ टॉपिक जोड़ना चाहता हूँ अगले वीडियो में, कि मैं रैम और स्टोरेज दोनों को साथ में कंबाइन करके दिखाऊंगा। तो भाई चलो बाय बाय, टेक केयर। अब चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।